गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अज आपां सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लैक्चर 2 दे विच करांगे। जो आपां सिस्टम दे बारे पढ़ रहे सीगे उहदा सैकेंड पार्ट। फर्स्ट लैक्चर आपां पढ़िया सीगा सिस्टम की डेफिनेशन की है, तो पार्ट्स कहड़े ने, टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़े सी, एलीमेंट ऑफ सिस्टम पढ़े सी। अज आपां एक्सप्लेन करांगे एलीमेंट ऑफ सिस्टम नूं की ने। हुण एलीमेंट ऑफ सिस्टम च नंबर 1 कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स की ने? जिहड़े सारे कंपोनेंट्स ने, ये सारे कंट्रोल, प्रोसेसर, इनपुट, फीडबैक, आउटपुट, बाउंड्रीज, दीज आर ऑल कंपोनेंट्स। ये सारे कंपोनेंट्स होंगे ने एलीमेंट्स ऑफ सिस्टम। जो सिस्टम के एलीमेंट्स ने उन्हें एक होंगे कंपोनेंट्स ने, सारे ए वाले सारे होंगे कंपोनेंट्स ने, और इंटररिलेटेड कंपोनेंट्स ने। और जो कंपोनेंट्स ने एक दूजे के नाल रिलेटेड ने, कोई भी कंपोनेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करता, सारे सारे कंपोनेंट एक दूजे के नाल रिलेटेड ने। ठीक है, नैक्सट इज बाउंड्री। तो आप देखा जी कि एक बाउंड्री है, बाउंड्री सिस्टम की एक बाउंड्री होंगी है, और वो आप बाउंड्री दस दें कि यह सिस्टम की एक बाउंड्री है। इस तो बाद सिस्टम सिस्टम की जी लिमिट्स ने इस तक ने, इस जगह पर कि कम करता होंगे, कंस्टेंस इस तक ही ने, इस बाउंड्री के अंदर अंदर ही वो कम करता, इस बाउंड्री तो बाहर वो नहीं जा सकता। तो उन्हें अलग तो एक सिस्टम होंगे बाहरली बाहरली बाउंड्री तो बाहर इंटैक्ट जरूर करता वा, लेकिन वो बाउंड्री के अपने तक वह काम आ, वो बाउंड्री के अंदर ही होंगे। नैक्सट आ परपस। कोई भी सिस्टम है, जिमें डेफिनेशन पहला पढ़िया, उनका कोई कॉमन परपस होंगे वा, कुछ परपस लिए सिस्टम बनाया जाता। बिना परपस तो आप कोई भी सिस्टम नहीं बनाया जाता। इस अलावा इनवायरमेंट, एवरीथिंग एक्सटरनल टू अ सिस्टम इंटैक्ट विद द सिस्टम। इनवायरमेंट किनू कहने? सिस्टम तो बार बार जिहड़ी भी चीज़ सिस्टम इंटैक्ट करती है उन्होंने आप कहने इनवायरमेंट। ये सिस्टम आ, सिस्टम तो बाहर कोई भी जी चीज़ सिस्टम ने इंटैक्ट करती है बाहरली चीज़ उन्होंने आप इनवायरमेंट बोलते हैं, क्योंकि सिस्टम तो बाहर होंगी है जी चीज़। नैक्सट इज इंटरफेस। इंटरफेस वो चीज़ ने जिते बेसिकली जिहड़े सब सिस्टम ने, जिहड़े कंपोनेंट्स ने, वो एक दूजे नाल इंटैक्ट करते हैं, उन्होंने आप इंटरफेस बोलते हैं। जिवें इनपुट प्रोसैसर ना कॉन्टैक्ट कर रहा, प्रोसैसर आउटपुट ना कर रहा, आउटपुट फीडबैक ना कर रही, आउटपुट फिर बाहर भी बाउंड्रीज ना कर रही है, कंट्रोल प्रोसैसर ना कर रहा, ये सारे की ने इंटरफेस ने। ये सारे इंटरफेस ने जिहड़े कि सब सिस्टम जिते मीट करते हैं। नैक्सट आप पढ़िया सी इनपुट। इनपुट जिहड़ी आप इनफॉर्मेशन एंटर होंदी है सिस्टम दे विच, जां कोई भी चीज़ एंटर होंदी है उन्होंने आप इनपुट बोलते हैं। आउटपुट जितों मेन ऑब्जेक्टिव जी चीज़ आप चाहते थे कि यह चीज़ बन के निकले, आउटपुट बाहर फाइनल आउटकम बाहर आती है, डैट इज़ आउटपुट। कंट्रोल सिस्टम जिहड़ा कि पूरे से पूरे सिस्टम नूं कंट्रोल करता। और फीडबैक सिस्टम की करता वा? फीडबैक अपनी फीडबैक लैंदा रहिंदा। जिदा तुसीं कितें जाने हो, उत्थे तुसीं किसी नूं कॉल करते हो, तुहानूं कहिंदे सर फीडबैक दिओ सानूं, तुहानूं किदां लग्गिया। तुसीं किसी ऑफिस किसी शोरूम च विजिट कर जाने हो, कहिंदे सर तुसीं फीडबैक दिओ सानूं, सानूं फीडबैक दिओ, तुहानूं किस तरह का फीडबैक लग्गिया। सो ये है अपना बेसिक सिस्टम के सारे एलीमेंट्स। नैक्सट आ करैक्टरिस्टिक्स। सिस्टम सिस्टम के करैक्टरिस्टिक की है? करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम के की गुण ने, सिस्टम कि चीज़ा होंदिया ने। पहली करैक्टरिस्टिक आई है सिस्टम की, कि सिस्टम एक ऑर्गनाइजेशन होंदी है। हर एक सिस्टम एक ना एक ऑर्गनाइजेशन होंदी है, जिहड़ी कि एक स्ट्रक्चर होंदा वा, एक ऑर्डर होंदा जिहड़ा कि पूरे सिस्टम दे विच कंट्रोल करदा। जिस तरह आपां करदे आ कंपनी च हायरार्कीकल ऑर्गनाइजेशन होंदी है, पहला मैनेजर होंदा वा, GM होंदा, उस दे नीचे मैनेजर्स होंदे ने, डिपार्टमेंट हैड। इस तरीके जिवें अपने कॉलेज दे विच हायरार्की है, सानूं उपर प्रिंसीपल सर ने, उस तों बाद HODs ने डिपार्टमेंट दे, फिर लैक्चरर्स ने, फिर स्टूडेंट्स ने। इस तरीके नाल उहदे च कुछ ना कोई ऑर्गनाइजेशन, एक ऑर्गनाइजेशन बनी होंदी है। हर सिस्टम दे विच कोई ना कोई ऑर्गनाइजेशन होंदी है। इंटरैक्शन सैकेंड करैक्टरिस्टिक है कि हर एक सिस्टम जो सब सिस्टम ने वो एक दूजे नाल इंटैक्ट करते हैं। हर भी जोड़ा भी सिस्टम है और जो सब सिस्टम ने एक दूजे नाल इंटैक्ट करते हैं। थर्ड इज इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस मतलब सारे जो सिस्टम ने वो एक दूजे के उपर डिपेंडेंट ने, एक दूजे के उपर डिपेंडेंट ने। हर एक जो सिस्टम सिस्टम के सब सिस्टम जो पढ़े से आप एक दूजे के उपर डिपेंडेंट ने, कोई भी इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करता, सारे एक दूजे के उपर डिपेंडेंट ने। नैक्सट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मीनस सारे के सारे एक दूजे नाल बंधे हुए ने, इकट्ठे हो के काम करते हैं, अलग अलग काम नहीं करते। इंटीग्रेटेड मतलब एकता,
इकट्ठे हो के काम करना, वो सारे के सारे इकट्ठे होकर काम करते हैं। और नैक्सट उन्होंने करैक्टरिस्टिक हैगा सेंट्रल ऑब्जेक्टिवस। सेंट्रल ऑब्जेक्टिव मीनस जिन्हें भी सब सिस्टम काम कर रहे हैं, जिन्हें भी एलीमेंट्स काम कर रहे हैं, वो सारे काम कर रहे हैं, उन्होंने कोई ना कोई सब सिस्टम है, कोई ना कोई उन्होंने सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है, कोई ना कोई उन्होंने इकट्ठा होकर सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है जिन्हें लिए वो काम कर रहे हैं। तो डैट इज़ सेंट्रल ऑब्जेक्टिव उनका की है। जिस तरह आप एजुकेशन सिस्टम की गल करिए तो सेंट्रल अपने कॉलेज की गल करिए तो अपने कॉलेज के सारे काफ़ी सारे टीचर्स भी ने, टीचिंग स्टाफ भी है, नॉन टीचिंग स्टाफ भी है, पीएन भी है सब, लेकिन उन्होंने सारे का एक एग्जैक्टिव की है कि किसी एजुकेशन रन इकट्ठे होकर रन करने जिन्हें स्टूडेंट्स गुड एजुकेशन दे के उन्होंने वधिया इंजीनियर बनाया जाए। सो ये हैगा अपना करैक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम। सिस्टम के की करैक्टरिस्टिक्स ने वो आप सारे पढ़ लेने। ऑर्गनाइजेशन होंगी है, इंटरैक्शन होंगी, एक जगह गलबात होती है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंस एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे ने, इंटीग्रेटेड इकट्ठे होकर काम करते हैं। सेंटर ऑब्जेक्टिव उन्होंने कोई सांझा, कोई सांझा ऑब्जेक्टिव, कोई गोल, कोई लक्ष्य होंगे उन्होंने जिंद लिए काम करते हैं। और नैक्सट जो आप सिस्टम जो अपने लिए यूज आना वो है इन्फॉर्मेशन सिस्टम। देखो अगर आप सिस्टम की गल करिए, आप पढ़ रहे हैं सिस्टम इंजीनियरिंग, सिस्टम इंजीनियरिंग साड़ा मेन काम की है। सिस्टम इंजीनियरिंग साढ़े कोई कंपनी आएगी, वो कहेगी कि मेरे को जो सिस्टम काम कर रहा इस टाइम वह मैनुअल सिस्टम आ, जा असी पुराना सिस्टम जो हों कि जोड़ा अं सारा काम कर रहे हैं वह मैनुअल तरीके हो रहा, बंदा लिख रहा, माल आ रहा उन्होंने लिख रहा वा कितने कितना यूज़ हो गया, प्रोडक्ट यूज लिख रहा वा, सारे काम लिख लिख के हो रहे हैं। असं उस सिस्टम की करना चाहते हैं, कंप्यूटराइज करना चाहते हैं, डिजिटलाइज करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ ना असी ऑटोमेटेड बनाना चाहते हैं। पहले असं मैनुअल काम करते हूँ ऑटोमेटेड कंप्यूटर की हेल्प ना करना चाहते हैं, तो वो काम कर सकते एक कंपनी ज कंपनी कहेगी मेरे को ऑलरेडी सिस्टम लग्या है ऑटोमेटेड सिस्टम, मैं अपग्रेड करना चाहनी है। तो अपग्रेड जो आप करना तो अपना मेन काम की है, अपन पहला सबनों पहला की करना पेगा सिस्टम एनालाइज। उन्हें कुछ स्टैप ने सिस्टम एनालाइज के डिजाइन के स्टैप ने, सैवन स्टैप ने बेसिकली लाइफ साइकिल के, वो आप नैक्सट चैप्टर से पढ़ा। तो बेसिकली जो काम है अपना वो आप सिस्टम के आना वा तो आप देखना कि सिस्टम की है उन्होंने एनालाइज करना वा, एनालाइज करके सिस्टम को डिजाइन करना कि सिस्टम किस तरीके का हो सकता वा, फिर उसकी फिजिबिलिटी चेक करनी है। ये सारा कुछ आप नैक्सट चैप्टर से पढ़ा। तो हूँ आप जो पढ़ रहे हैं नैक्सट वो है वा इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अलग अलग तरह के इन्फॉर्मेशन सिस्टम होंगे। हूँ इन्फॉर्मेशन सिस्टम की है उसकी डेफिनेशन उत्ते लिखी हुई है, एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज़ अ फॉर्मल सोशो टैक्निकल। सोशो टैक्निकल का मतलब की हुंदा वो चीज़ जिसे लोगों नू ते टैक्नोलॉजी नू दोनों नू यूज़ किया जाता, लोगों नू ते टैक्नोलॉजी नू यूज़ करके जो सिस्टम बनता उन्होंने आप कहने सोशो टैक्निकल सिस्टम। इज़ अ फॉर्मल सोशो टैक्निकल ऑर्गनाइजेशन सिस्टम। एक ऑर्गनाइज सिस्टम होंदा, यही अनऑर्गनाइज नहीं, एक ऑर्गनाइज सिस्टम होंदा डिजाइन, जिन्होंने डिजाइन किया जाता टू कलैक्ट प्रोसैस स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन। कहने लिए प्रोसैस करने लिए, स्टोर करने लिए, कलैक्ट करने लिए ते डिस्ट्रीब्यूट करने लिए इन्फॉर्मेशन। इन अ सोशल टैक्निकल प्रोस्पेक्टिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम आर कंपोज ऑफ फोर कॉम्पोनेंट, टास्क, पीपल, स्ट्रक्चर एंड टैक्नोलॉजी। बेसिकली सोशल टैक्निकल प्रोस्पेक्टिव के उपर आप चार सिस्टम फोर कॉम्पोनेंट्स होंगे ने, कि टास्क, पीपल, स्ट्रक्चर ते टेक्नोलॉजी। ये बारे आप नैक्सट पढ़ा सारे चारों बारे की होगा। हूँ अलग अलग तरह के इन्फॉर्मेशन सिस्टम नेड़े आप बारे पढ़ा। पहला है ट्रांजैक्शंस प्रोसेसिंग सिस्टम्स। ट्रांजैक्शंस प्रोसेसिंग सिस्टम के वा वो सिस्टम जो डे टू डे ट्रांजैक्शन नू प्रोसेस करता वा। जिस तरह आप पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल हो गए कि असी सेल रिकॉर्ड करता किन्नी सेल हुई, पेरोल सिस्टम हो गया एम्पलाइज सैलरी रिकॉर्ड करता वा, स्टॉक कंट्रोल सिस्टम हो गया जो अपनी इन्वेंटरी कंट्रोल करता वा, एयरलाइन बुकिंग सिस्टम हो गए, ये सारे की है ट्रांजैक्शन प्रोसैसिंग सिस्टम। ये आप कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन होंगी है उन्होंने प्रोसैस करते हैं, सेल हुई है वो सेल का रिकॉर्ड रखेगा कि इस दिन इस टाइम ये सेल हुई है, ज पेरोल का रिकॉर्ड रखेगा, ज इन्वेंटरी लैवल का कंट्रोल रखेगा, मतलब कुछ भी चीज़ आपको रखा वह आप कहने ट्रांजैक्शंस प्रोसैसिंग सिस्टम। नैक्सट हैगा मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ट्रांजैक्शन प्रोसैसिंग सिस्टम नू यूज़ करके ही आप मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम यूज़ करते हैं। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के आप रिपोर्ट्स देखते हैं,
कि जिस तरह मैनेजमेंट देखूगा कि अज के डेट के अगर उन्होंने को चार प्रोडक्ट है ए बी सी डी प्रोडक्ट है तो ए प्रोडक्ट की किन्नी सेल हुई है, बी प्रोडक्ट की किन्नी सेल हुई है, सी प्रोडक्ट की किन्नी सेल हुई है, तो डी प्रोडक्ट की किन्नी सेल हुई है। एक्स वाई जेड उन्होंने को तीन डिपार्टमेंट ने, एक्स डिपार्टमेंट ने किन्नी सेल की है, वाई डिपार्टमेंट ने किन्नी सेल की है, जेड डिपार्टमेंट ने किन्नी सेल की है। यह सारा कुछ अपन जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मिलेगा। ये की करता परफॉर्मेंस स्टेटस, करंट इनफॉर्मेंस स्टेटस अपना दसते हैं कि करंट इनफॉर्मेंस सिस्टम की है। नैक्सट इज़ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की हिंदा बेसिकली डिसीजन लैन के काम आता अपने, ये हायर लैवल काम आता, सीनियर मैनेजमेंट ने यूज़ करती है। ये दोनों चीज़ा होंदिया ने, ट्रांजैक्शन प्रोसैसिंग सिस्टम भी हिंदा वा और मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम हिंदा। ये आप बेसिकली कुछ एलगोरिथम्स ला के कुछ चीज़ा ला के आप फ्यूचर प्रोडिक्ट करते हैं कि की इंप्लाई होगा। अगर आप देखो जिस तरह ने देखा कि अगर आप प्रोडक्शन डबल कर दिए तो इंप्लाईज की परफॉर्मेंस से पर की इफेक्ट पेगा। अगर आप नवा सेल्स कंपटीशन मार्केट पर आ गया साड़ी सेल के उपर की इफेक्ट पेगा। ये बेसिकली बहुत सारे हाई एंड मॉडल्स मैथमेटिकल मॉडल होंगे ने, प्रोबेबिलिटी के उपर बेस्ड होंगे ने, जोड़े कि सूँ डिसीजन प्रोवाइड कराते हैं। सो ये अपना फर्स्ट चैप्टर जोड़ा हैगा वा सिस्टम, जिसका नाम से अपना सिस्टम की है तो उनके पार्ट्स कि उस बारे। हुण नैक्सट चैप्टर आप सैकंड नैक्सट लैक्चर आप सैकंड चैप्टर करा। तद तक ले गुड बाय।